अरे मैडम, आप एक मिनट ये एड्रेस बता सकती हो? दिखाइए। नहीं नहीं भैया, मुझे ये एड्रेस नहीं पता। अरे मैडम, आप ढंग से देखिए ना। अरे भैया, मैं शहर में खुद नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये एड्रेस। अरे मैडम, कोई बात नहीं, हम बता देंगे एड्रेस। सुनो भाई, अब क्या करें? भाई वो कार देख रही है, हाँ? इस गाड़ी का शीशा फोड़ देते हैं और इस लड़की को लेके चल देते हैं। हाँ भाई, सही कह रहा तू। अब तू एक काम कर, बड़ा सा पत्थर ढूंढ के ले गया। भाई तू इसको संभाल, ठीक है? अबे जल्दी आना। ये लोग मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हैं? अबे खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हैं? मारना शीशे में। अबे ओए भाई जी, सालो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैम आप ठीक तो? लगता बेहोश हो गई है। एक काम करता हूँ, पानी डालता हूँ। आप ठीक तो? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? आप एक काम कीजिए, वो सामने वाली बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है, हाँ मेरे साथ चलिए। आप सही कह रहे हैं, आप मुझे प्लीज आराम से ले चलिए। आइए आराम से। आइए मैडम, यहाँ बैठिए। अब आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे मैम एक बात बताइए, वो लोग आपको मारना क्यों चाह रहे थे? ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं, लेकिन वो मेरे पीछे पिछले कुछ टाइम से पड़े हुए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अब उनसे। अरे मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, ठीक है? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे आप मेरे एक काम करेंगे, मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप मेरे लिए एक पेन किलर मंगवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ मैं अभी मंगवा देता हूँ। राजू, राजू लगता है राजू आज घर पर नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद जाकर ले आता हूँ। और आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी आना, मुझे ना यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग यहाँ तक भी आ जाएं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आता हूँ। इस वक्त कौन होगा यार, कहीं वो दोनों तो नहीं आ गए? दरवाजा खोलूं या ना खोलूं? तुम दोनों, तुम यहां तक भी आ गए? अबे नौटंकी बंद कर, चल पैसा निकालते हैं। चलो चलो अब जल्दी अंदर आओ। बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक पैसे नहीं मिले, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए। तू एक काम कर, तू वहां देख। अबे तू देख क्या रहा है, शक्ल देख ना, जल्दी कर यार। अबे ढूंढ ना जल्दी, ऊपर देख। वो मिल गए पैसे? अबे मिल गए पैसे, जल्दी आ, जल्दी निकाल। अबे और निकाल। दिखा, चल दे इधर। आज तो किस्मत ने साथ दे ही दिया, दे डाली। काम करते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं। चलो मैम कहाँ गई? मैम, 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 मैं आपकी दवाई ले आया हूं। आवाज क्यों नहीं आ रही? मैम बिना बताए चलेंगी क्या? मैम, 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 मैम कहाँ चली गई यार?
मिल भी नहीं रही है, पूरे घर में देख लिया, यहाँ पर भी नहीं है। उनकी तबीयत खराब थी, अगर अपने घर जाती तो फिर मुझे बता के जाती, मुझे दवा लेने भेज दिया, खुद मिल नहीं रही हैं। यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कल मैं अपनी प्रॉपर्टी के 20 लाख रुपए लेके आया था, कहीं वो चेक करता हूँ, पैसे तो नहीं है। यार ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या हो गया मेरे साथ आज, पैसे नहीं है। यार इसका मतलब वो चोर थी, मैं क्यों नहीं समझ पाया यार। यार ओ भाई, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं क्यों नहीं समझ पाया कि वो चोर थी, मेरे पैसे चुरा लिए उसने। यार ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी जिंदगी भर की कमाई लेगी वो। यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या हो गया यार मेरे साथ आज ये, क्या करूं यार, क्या करूं क्या करूं। पुलिस, हाँ पुलिस पर कंप्लेंट करता हूँ, हाँ ये सही रहेगा। अरे यार आज सुबह से एक मुर्गा भी नहीं फंसा, पता नहीं किसकी शक्ल देख ली थी, लगता है पूरा दिन ही ऐसा निकल जाएगा, क्या करूं यार। ये लो मैडम, मैं तैयार कर देता हूँ। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। वेलकम। आपको अगर बुरा ना लगे तो आपको आपके घर तक छोड़ दूँ? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ओके। आ, 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 क्या हुआ आपको? आप खड़े होइए। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आप खड़े होइए। क्या हुआ आपको? चलो यही पास में मेरा घर है, आप चाहो तो वहाँ चल के रेस्ट कर लेना और मैं डॉक्टर को बुला लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता मैं आगे तक जा पाऊंगी। बस थोड़ी सी मत समझिए मैम, पुलिस पास में मेरा घर है, बस आने वाला है। आराम से आइए, आराम से बैठ जाइए, आप बैठो मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं मुझे पानी नहीं पीना, आप बस मेरे लिए गर्म पट्टी ले आइए, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। गर्म पट्टी तो घर में नहीं होगी, मुझे मेडिकल स्टोर से लानी होगी। तो ले आइए ना प्लीज, वो एक्चुअली मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और अगर मेरे पैर में आराम नहीं हुआ तो मैं घर नहीं जा पाऊंगी। ठीक है तो आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए गर्म पट्टी लेके आता हूँ। लगता है गया, कितने मासूम होते हैं ना ये लोग, बिना किसी को जाने बिना किसी को समझे किसी भी अनजान इंसान पे भरोसा कर लेते हैं। खैर मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। बहुत जल्द मेरे पार्टनर्स आ जाएंगे, फिर हम तीनों मिलके ये पूरा घर लूट लेंगे। लगता है आ गए। हाँ हम दोनों। तुम दोनों को तो मैंने अपनी जाल में फंसा लिया था ना, फिर तुम दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? दरअसल तुमने जो प्लान बनाया था ना, वो प्लान तुम्हारा नहीं, वो प्लान था हमारा, जिसमें तुम तीनों फंस चुके हो। और अभी तुम अंदर बैठ के क्या बोल रहे थे कि मासूम लोग बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं? अरे अगर हम मासूम लोग हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारी मासूमियत का गलत फायदा उठाओगी। तुम्हें पता है तुम्हारी एक चोरी की वजह से एक इंसान को कितना नुकसान उठाना पड़ता है? और जो पैसे तुमने मेरे चुराए थे ना, वो पैसे मैंने फ्लैट के लिए इकट्ठे किए थे, और मैं एक बड़ा फ्लैट लेना चाहता था जिसमें मेरी पूरी फैमिली रह सके। और तुम लोग जो पैसा चोरी करते हो ना, वो लोगों की मेहनत के पैसे होते हैं, उन पैसों से कोई अपनी माँ का इलाज करा रहा होगा, तो कोई बेचारा अपनी कॉलेज की फीस भर रहा होगा, तो कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, और तुम क्या करते हो, उन पैसों को चोरी करके उनसे ऐश मौज करते हो और एक पल में उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने उस भरोसे के बदले मेरे साथ ये सब किया। यार मैंने सोचा कि बेचारी मासूम लड़की है,
परेशान है, बेचारी फंसी हुई है, तो उसकी मैं हेल्प कर दूं। और तुम लोग ना जाने पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुके होंगे, तुम्हें पता है तुम्हारी ही वजह से और भी लोग होते हैं जो बेचारे किसी की सहायता करने से 100 बार सोचते हैं कि पता नहीं ये भी कहीं ऐसे ना हो, क्योंकि तुम जैसे लोग उनके साथ गलत कर चुके होते हैं, तो उनके अंदर यही डर रहता है कि ये भी हमारे साथ ऐसा ना कर दे। और तुम जैसे लोगों की वजह से लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ चुका है, वो सोचते हैं कि कहीं तुम जैसे लोग फिर दोबारा ना आ जाएं, उनको लूट करना चले जाएं, तो वो बेचारे जिंदगी भर तड़पते रहेंगे। और जो तुमने किया है ना, उसकी तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला के रहूंगा। नहीं नहीं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, करना तो दूर हम इस बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, बल्कि हम उसे ज्यादा पैसे दे देंगे। बस हमें जेल मत भेजिए, अगर आपने आज मुझे जेल भेज दिया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं यहाँ गांव से आई हूँ, वो तो इन दोनों ने मुझे पैसों का लालच दे दिया था, वरना मैं ऐसा कभी भी ना करती। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तुम दोनों भी माफी मांगो इनसे। भैया हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। भैया देखिए, ये लोग भी आपसे माफी मांग रहे हैं, आखिर गलती तो इंसानों से ही होती है ना, बस हमें एक आखिरी मौका देकर देखिए, हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। वैसे एक बात तो सच है, चोर चाहे कितना भी साथ क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है, और आज ये साबित हो चुका है। और देखा तुमने, तुम्हारा झूठ आखिर मेरे सच के आगे हार ही गया, क्योंकि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। क्या पैसे? पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, तुमने क्या सोचा कि पैसे वापस नहीं करोगे? और सजा? सजा तो तुम्हें कड़ी से कड़ी मिलेगी। राहुल पुलिस को कॉल करो। और तुम यहाँ बैठो, तुम दोनों नीचे बैठो, बैठो। हाय विनय शर्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप शेयर कर देंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ आप लोगों की शेयरिंग है। बाकी आपको पता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में बनाते हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज के अंदर अच्छाई से अच्छाई फैलाई जा सके। और अगर हमारी वीडियो के थ्रू किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी परिवर्तन आता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस वो होगी, चाहे 1 लाख लोगों में से एक व्यक्ति भी बदल जाए ना, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी ताकत है। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोगों के ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। आप लोग हमारे को फॉलो भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।